हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज ये फोन का वीडियो जो बन रहा है वो बहुत ही एक्साइटिंग फोन है और ये फोन का बहुत समय से सब लोग वेट कर रहे थे। तो ये है Realme X2 Pro जो कि फाइनली इंडिया में आ चुका है और ये है Realme का वो फ्लैगशिप फोन जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले करते हैं अनबॉक्स Realme X2 Pro को और फिर बात करते हैं इस फोन के बारे में, अच्छी और बुरी दोनों। एक चीज मैं बताना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इस फोन के अंदर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा तो वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये फोन 64GB स्टोरेज में आने नहीं वाला। और यहाँ पे जो 128GB मॉडल है उसके अंदर आपको 2 नैनो सिम का स्लॉट मिल जाता है, यानी कि आप SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं। अब बात करें अगर फोन के बारे में, तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस फोन की लगी है, जिसके लिए मैं हमेशा Realme को बोलता रहता था, लेकिन इस बार Realme X2 Pro पे आपको मिल रहा है एक मेटल फ्रेम। जी हाँ, ये एक एल्युमिनियम मेटल फ्रेम है जो कि इस फोन को एक काफी स्टर्डी लुक भी देता है और काफी स्टाइलिश भी बना देता है इस फोन को लुक एंड फील में। साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 5 यहाँ पीछे और गोरिल्ला ग्लास 5 यहाँ फ्रंट पे भी मिलता है। तो यहाँ पे इस फोन के अंदर टॉप नॉच का डिस्प्ले भी है। यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है जो कि अगेन काफी ब्राइट डिस्प्ले है। उसके कुछ रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि जब इस डिस्प्ले पे हमने वीडियो प्ले किया, यानी कि आउटडोर में जब वीडियो प्ले किया, तो वो वीडियो कितना अच्छे से विजिबल है वो आपको पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो हमारे मीटर में आई है तकरीबन 700 लक्स के आसपास, जो कि काफी हाई है और मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्रीमियम लेवल का डिस्प्ले यहाँ पे मिल रहा है। और ये डिस्प्ले 90Hz की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में इस डिस्प्ले को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से किया कि इसी डिवाइस को हमने 60Hz पे चलाया, इसी डिवाइस को हमने 90Hz पे चलाया और आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे की है, जिससे शायद आपको पता चल जाए कि भाई 60Hz और 90Hz में कितना फर्क आता है। अब हम बात करें यहाँ पे और चीज़ों की, तो फ्रंट कैमरा जो है 16MP का है। अब ये 16MP का कैमरा सोनी का कैमरा है, सोनी IMX471 वाला सेंसर है और सेल्फी के कुछ रिजल्ट आपके सामने हैं। इंडोर की सेल्फी ले लीजिए, आउटडोर की सेल्फी ले लीजिए, सब ठीक ठाक है। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं लगा मुझे फ्रंट कैमरा में, लेकिन ठीक है, फोटो अच्छी आ जाती है और सेल्फी के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है। आउटडोर में सेल्फी क्लियर है लेकिन फिर भी फोटो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा यहाँ पे मिलता है आपको सैमसंग की तरफ से 64MP का GW1 सेंसर वाला। हालांकि जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं वो कुछ कुछ मिक्स्ड हैं, कहीं कहीं तो फोटो अच्छी आ रही है, कलर्स भी नेचुरल हैं और फोटो के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जूम कैमरा की, तो जूम करेंगे तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक्सपोजर बहुत मेंटेन रहता है। हमने यहाँ पे एक शार्प लाइट जो कि एक स्ट्रीट लाइट है उसका फोटो लिया है जूम करके, और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल में वो स्ट्रीट लाइट कैसी दिख रही है और जूम करने के बाद भी स्ट्रीट लाइट होने की वजह से, जिसमें इतनी सारी लाइट निकल के आ रही है, फिर भी आपको जो बैकग्राउंड है वो दिख रहा है और वो एक अच्छी बात है। और ये पहचान होती है एक अच्छे कैमरा की, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे का एक्सपोजर मेंटेन है एंड यू कैन सी अदर थिंग्स एज वेल जब एक बहुत ही शार्प लाइट वाला ऑब्जेक्ट आपके कैमरा के सामने है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे 2MP का डेप्थ सेंसर भी मिल रहा है। और जो दूसरा कैमरा है एक और, वो है वाइड एंगल कैमरा। जी हाँ, वाइड एंगल कैमरा जो है कहीं ना कहीं काम आ जाता है वाइड एंगल शॉट लेने में, और आप देख सकते हैं कि कितना वाइड है इसका वाइड एंगल कैमरा। तो लैंडस्केप शॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं नॉर्मल में और वाइड एंगल में और आपके सामने रिजल्ट्स। तो मुझे लगता है कि कैमरा इस फोन का अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहूँ। ओवरऑल कैमरा के रिजल्ट्स के हिसाब से एक डिसेंट कैमरा आपको मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे वीडियो अगर आप फुल HD में बनाते हैं 30fps पे, तो आपको एक स्टेबल वीडियो मिलता है। आप देख लीजिए कि कितना स्टेबल वो वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप फुल HD में एक स्टेबल वीडियो बनाएंगे। हालांकि वो वीडियो क्रॉप हो जाता है, यानी कि जितना आप देख रहे थे जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उतना एरिया आपको नहीं दिखेगा, क्रॉप होकर दिखेगा। और बेसिकली जब भी आप स्टेबलाइजेशन ऑन करेंगे तो वो एक तरह से क्रॉप में ही दिखाएगा आपको, तो कहीं ना कहीं आपका जो एरिया है, जो फील्ड ऑफ व्यू है, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप के हिसाब से फोन बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से जो है एक दिन की पूरी बैटरी मिल जाती है। और सबसे कमाल बात है इसकी चार्जिंग। जी हाँ, चार्जिंग के अंदर देखा जाए तो ना सिर्फ इसमें आपको 50 वॉट का चार्जर मिल रहा है, साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग केबल मिल रही है। अगर आप इस केबल को यहाँ पे कंपेयर करें
और केबल से जो कि हमने रियलमी के बाकी फोन देखे हैं, पूरा पूरा फर्क देख सकते हैं कि कितनी मोटी केबल यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये जो चार्जर है वो 5 एम्पीयर का करंट सप्लाई कर रहा है फोन को, और 5 एम्पीयर का करंट काफी होता है। अब बात करें और चीजों की, तो यहाँ पे इस फोन के अंदर जो एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसका OS। जी हाँ, हमेशा की तरह रियलमी का कलर OS पूरा पूरा ब्लॉटवेयर वाला है, यानी कि काफी सारा ब्लॉटवेयर आपको मिल जाता है, चाहे वो UC ब्राउजर हो, चाहे वो हॉट एप्स, हॉट गेम्स, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये प्रीमियम फोन है, द मोस्ट प्रीमियम फोन ऑफ रियलमी। अब अपने फ्लैगशिप फोन में तो कम से कम ब्लॉटवेयर मत दो भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस, तो फोन की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर जो है टॉप नॉच है। तो यहाँ पे पबजी आप बिल्कुल मैक्स ग्राफिक सेटिंग्स खेलिए, आप खुद देख सकते हैं कि गेम प्लेबैक कितना स्मूथ है, कितना फास्ट है फोन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रियलमी ने एक बिल्कुल टॉप नॉच की परफॉर्मेंस दी है, उसको ऑप्टिमाइज भी किया है। फोन की जो अच्छी बातें हैं वो है इसका डिस्प्ले, इस फोन की जो अच्छी बातें हैं वो इसकी फास्ट चार्जिंग। खैर फिलहाल ये थे हमारे फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन के बारे में, मुझे फोन बहुत अच्छा लग रहा है, और इस फोन का कंपैरिजन भी आप लोगों के लिए आएगा, तो प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में, हम वीडियो बनाएंगे उसका, और साथ ही साथ इस फोन का गिव अवे भी आने वाला है आपके लिए बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, और इस तरह के और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।